गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स का त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 के सभी प्रश्नों का सलूशन इस वीडियो में बताऊंगा। यह केसेस ने मैथमेटिक्स से लिया गया है। आप ध्यान से वीडियो देखिए, आप इस चैप्टर के सारे प्रश्नों को आसानी से बना लेंगे सिर्फ वीडियो देख करके। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए देख लेते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो केसेस नेहा मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो आप ध्यान से वीडियो देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि बाकी बच्चे भी घर बैठे मैथ की तैयारी कर सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 11th का। उसको पढ़ने के पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला देखना चाहेंगे। इस सूत्र को आप देख लेंगे, आपके पास ये किताब होगा ही, प्रज्ञा का जो स्टडी मटेरियल मिलता है उसमें आपको ये किताब मिला होगा। आप इस किताब में क्या करेंगे, फर्स्ट पेज को उल्टेंगे यदि आपके पास किताब है तो यहाँ आप इस पेज को उल्टेंगे और इसमें से कुछ याद पहले करेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूँ, आपको सबसे पहले रिडक्शन फार्मूला में आना है और यहाँ देखना है। प्रथम पेज को देखिएगा, आपको शायद 10वीं क्लास में आपने देखा होगा, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट में प्लस प्लस होता है, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस और फोर्थ में प्लस माइनस। ये बहुत पहले से आपको कोऑर्डिनेट पता होगा। अभी इसको नहीं याद करना है, आपको ये नहीं याद करना है, पहले इसको याद कर लेना है, फिर सेकेंड में आप इस फिगर को याद करेंगे। इसको याद करेंगे, इसमें देखें फर्स्ट कोऑर्डिनेट पर दिया गया है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय राशि निष्पत्तियाँ जो हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ यानी अनुपात 6 को होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा 6 को होता है। तो इसमें फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव लिखने का मतलब है इसमें 6 का 6 टोटल प्लस होता है। प्लस होता है, जब मान बताएंगे तो आपको पता चलेगा कैसे प्लस होता है। लेकिन अभी आपको याद कर जाना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। देखिए, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ में जाइएगा तो कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसको याद करना है। फर्स्ट में आप इस टेबल को याद कीजिए, सेकेंड में इसे एक्सिस को याद कीजिए और थर्ड में आइए और इसे याद कीजिए। आपको ये रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण कौन होता है। एंगल होता है आपका 90 माइनस ए और 360 प्लस ए। कैसे हो गया, देखिए यहाँ आप जानते हैं यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री कोण बनता है ना, यहाँ से यहाँ तक टोटल कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, तो यह 0 से लेकर कहाँ तक गया, यह 90 डिग्री हो गया। इसके बाद यहाँ 90 से लेकर यहाँ तक आएगा 180, 180 से लेकर यहाँ तक आएगा कितना, 270, 270 से यहाँ आएगा 360 हो जाएगा फिर। तो देखिए, यहाँ जो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तो 90 ये जो है पॉइंट 90, 90 से पहले रहेंगे या 360 से आगे, तो 360 से आगे जाएंगे 360 प्लस थीटा, 90 के पीछे आएंगे तो 90 में से फिर इसमें जाएंगे। तो देखिए, फिर से समझिए, यहाँ से आप 0 डिग्री इसको मानते हैं तो 0 से लेकर यहाँ तक आते हैं तो ये क्या होता है, 90 हो जाता है, ये 90 हो जाता है। और 90 के बाद यहाँ आते तो यह कोण कितना बन जाता है, यह 90 हो गया, यह कोण हो जाता है 180 डिग्री। यहाँ आते हैं तो 180 डिग्री हो गया। वैसे ही एक और राउंड बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 270, और एक और राउंड बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेंगे तो 90 के पीछे रहेंगे और 360 से आगे, तो 360 प्लस ए हो गया, 90 माइनस ए हो गया। या आपका हो सकता है 90 से आगे, सेकेंड में आइएगा तो 90 से आगे, 90 प्लस ए और 180 माइनस ए। और थर्ड में जाते हैं तो 180 से आगे, 180 प्लस ए हो गया, 270 से पीछे, 270 में से, और फोर्थ में 360 से पीछे, इससे पीछे और 270 से आगे, 270 प्लस ए या 360 में एस, ये हो गया। तो ये एंगल याद कर लेना आपको। ठीक है, तो फर्स्ट में आप इस चीन को याद कीजिए, सेकेंड में इस चीन को याद कीजिए, थर्ड में इसको आप याद कीजिए। सब याद करने के बाद आपको एक और पॉइंट याद कर लेना है, ये साइन अगर क्या होता है, चेंज होता है तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, टेन कॉट में, कॉट टेन में, वैसे ही कोसेक सेक में, सेक कोसेक में बदलता है। और 90 और 270 के लिए चेंज हो जाता है। तो आप पहले तीनों याद कर लें, इसका मैं इस पर विशेष रूप से एक क्लास लेकर आऊँगा, जिसको आप समझ करके बढ़िया से आप फॉर्मूला को समझ पाएंगे। जब फॉर्मूला समझ आएंगे तो आपसे त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल नहीं फंसेगा। तो पहले आप इसे होमवर्क समझें, आप इन तीनों को आज याद कर लें। ठीक है, इसे याद कर लें, अभी आप इसको नहीं याद करेंगे, इसको याद करेंगे तो फंसने लगेंगे।
अभी आपको इसे नहीं रटना है, कैसे याद करना है आपको एक ट्रिक बताऊंगा, टोटल याद हो जाएगा। पहले आज ये तीन को याद कर लीजिए, इसके बाद यहाँ आ जाइए पेज नंबर टू में, ये पेज नंबर टू है, इसको याद करेंगे। देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू वन, जो कि टेंथ में आप पढ़े होंगे, और साइन ए इक्वल टू क्या होगा, वन बटा कोसेक ए, और कोसेक ए हो जाएगा वन बटा साइन ए हो जागा, वन बटा आपका साइन ए हो जाएगा। वैसे ही टेन ए गुना कॉट ए इक्वल टू वन, तो टेन ए इक्वल टू वन बटा कॉट ए, कॉट ए इक्वल टू वन बटा ए, तो ये सब आपको याद होगा। तो इसको आप एक बार देख लेंगे ध्यान से, इसको नीचे आएंगे टेन ए इक्वल टू साइन ए बटा कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए बटा साइन ए, दूसरा कॉट ए प्लस बी, कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन बटा कॉट बी प्लस कॉट ए, और टेन ए माइनस बी, कॉट ए माइनस बी यहाँ हो गया कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन बटा कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। एक तो यहीं पर एक और मैं सूत्र आपको लिख दूँ, आगे आपको इसे दिया गया है, टेन ए प्लस बी अगर होता, टेन ए प्लस बी होता तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी बटा वन माइनस टेन ए गुना टेन बी, याद कर लेंगे। वैसे ही एक होता है टेन ए माइनस बी होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए माइनस टेन बी बटा वन प्लस टेन ए गुना टेन बी। तो इसको पहले याद कीजिए, फिर टेन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला याद दिया है, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए गुना टेन बी गुना टेन सी, फिर बटा वन माइनस टेन ए गुना टेन बी, टेन बी गुना टेन सी या टेन सी गुना टेन ए, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस ए बी माइनस कॉस ए, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए बी माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको देख लेना है। इसके बाद और अभी आप फॉर्मूला अच्छा से याद कीजिए, अभी आपको इस सारे फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन आप याद करेंगे, इस सब की आगे जरूरत पड़ेगी, आप इसको देख लेंगे। और यहाँ पेज नंबर फोर में दिया गया, इसको आप एक बार देख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप देख लीजिए, ये सारे फॉर्मूला हैं, आप देख लेंगे ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, याद कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे, इसको भी मैं दिखा देता हूँ, ये पेज टू का फॉर्मूला है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। और पेज पलटेंगे तो यहाँ लॉगरिथमिक फॉर्मूला दिया गया है, तो इसको आप देख लेंगे। तो विशेष रूप से आज आपका होमवर्क क्या रहेगा, आप इसको याद कर जाएंगे, तीनों टेबल को याद करेंगे, पेज नंबर टू को याद करेंगे और पेज नंबर थ्री को आप याद करेंगे, ठीक है। पेज नंबर थ्री जो है दिया गया है, इसको आप याद कर जाएंगे, ठीक है। तो इतना याद करेंगे, इसके बाद चलिए हम लोग चैप्टर का क्वेश्चन बनाते हैं, काफ़ी सिंपल है चैप्टर क्वेश्चन, हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर है एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, ठीक है। चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। 5.1 का सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। तो बिना फार्मूला याद किए आप नहीं शुरू करेंगे, ठीक है, आपको कुछ फार्मूला को बेसिक याद कर लेने हैं। देखिए दिया गया, निम्नलिखित तदात्म्य को सिद्ध करें, कॉस ए गुना टेन ए बराबर साइन ए आपको सिद्ध करना है, दूसरा टेन ए बराबर इतना सिद्ध करना है, ऐसे तीसरा है चौथा है। चलिए हम लोग एक एक करके सबको बनाते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो फार्मूला क्वेश्चन से एक का एक नंबर लेफ्ट साइड हम लोग लिखेंगे और राइट साइड आपको मानना है। लेफ्ट में दिया गया कॉस थीटा इंटू दिया गया है टेन थीटा, ठीक है। देखिए सिंपल है, कॉस थीटा जिन तरह दीजिए, टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस क्या हो कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, आपका बचेगा साइन थीटा, यही आपको आर एच एस में सिद्ध करना, इक्वल टू आर एच एस प्रूफ हो गया, सिद्ध हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, टू आपका दिया है, देखिए ध्यान से फॉर्मूला आपको याद होगा तो कहीं दिक्कत आपको नहीं होगा। दूसरा दिया टेन थीटा बराबर साइन बटा रूट ओवर वन में साइन थीटा मंगाना है, तो टेन को हल करेंगे और राइट साइड मंगाने, देखिए लेफ्ट साइड दिया गया है टेन थीटा बराबर, टेन इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया इतना। अब देखिए हम इसको यहीं पर बना देते हैं, साइन थीटा बटा कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है रूट ओवर वन में साइन स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया, यही सिद्ध करना था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, आपको अगर सूत्र याद है तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला पहले फॉर्मूला पर कमांड कीजिए, सूत्र पर कमांड कीजिएगा। तीसरा दिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी इस सेक को टेन में बदलिए और कॉस को साइन में बदलिए, सिद्ध हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, आप देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो सेक इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है और कॉस इक्वल टू होता है वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा होता है, ठीक है। और देखिए वन से वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ बचा टेन स्क्वायर
थीटा और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो गया साइन स्क्वायर बीटा, यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। कितना आसान सा सवाल दिया, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन हैं। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए गुना साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए आपको मंगाना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे बेटर है कि हम क्या करते हैं, ये साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी है, कॉस को साइन के रूप में बदल देते हैं, कॉस को साइन के रूप में बदलते हैं ताकि इन दोनों में से क्या होगा साइन कॉमन निकल जाएगा। चौथा दिया गया है एल एच एस बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस दिया गया कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और हल करते हैं, यहाँ साइन स्क्वायर ए को छोड़ दीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए को हमने छोड़ दिया, कॉस को बदल दिया वन में साइन स्क्वायर ए कर दिया मैंने, ठीक है, वन में साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बी को कर दीजिए वन में कॉस स्क्वायर बी मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए माइनस वन से गुना करेंगे इसमें, तो वन से वन में गुना करेंगे तो वन में कॉस बी रहेगा, वन से दोनों में गुना किया, फिर साइन से गुना करेंगे साइन से वन में, तो क्या माइनस साइन स्क्वायर क्या हो गया ए हो गया, अब प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर बी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, यहाँ देख लीजिए यहाँ प्लस है, वन से जब गुना किए तो वन अपने स्थान, यहाँ प्लस है, अब यह वन में कॉस स्क्वायर बी अपने स्थान पे है प्लस साइन स्क्वायर ए गुना कॉस स्क्वायर क्या आ गया बी आ गया, और वन में कॉस बी इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस कर दीजिए कॉस स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर ए, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। कितना आसान है क्वेश्चन, ठीक है, काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। दो का एक देखते हैं, दो का एक देखिए, एल एच एस दिया गया है, क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या दिया गया है एल एच एस, इसका बनाते हैं हम लोग। एल एच एस दिया गया है सेक फोर थीटा माइनस टेन फोर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसको आपको हल करना है और ये मांगना है। चलिए लेफ्ट साइड को देखते हैं, तो दिया है सेक फोर थीटा माइनस टेन फोर थीटा, ठीक है। अब क्या कि सेक फोर थीटा को लिख सकते हैं, सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये क्या होगा टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या होता है वन होता है, तो वन हो जाएगा, बाकी सब कुछ छाप दीजिए, तो ही आपको सिद्ध करना था सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सिद्ध हो गया। दो का दो नंबर देखते हैं, दो का दो नंबर सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही केवल कोसेक दे दिया है, तो एलिजिस मैं लिख देता हूँ सेम यहाँ लिख दिया है, इससे कैसे कोसेक फोर थीटा माइनस कॉट फोर थीटा, देखिए कोसेक फोर है तो क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा वन होगा, वन इंटू कोसेक स्क्वायर इसको वन रख दिए थीटा प्लस क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, वन से मल्टीप्लाई करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो क्या बचा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन, दो का तीन, ठीक है, आराम से बनाते जाइए, दो का तीन है, वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर दिया गया है माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू टेन थीटा मांगना है आपको, टेन के रूप में मांगना है, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, इसको टेन में चेंज कर देंगे आ जाएगा। तो देखिए लेफ्ट साइड को लिखते हैं, वन प्लस
टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखिए 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो गया, टू ए बी हो गया। और सेक को टेन में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये टेन स्क्वायर से क्या हो गया, टेन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल होगा, तो क्या बचा आपका, सिर्फ बचा टू टेन थीटा बच गया, टेन थीटा प्रूव हो गया। सिंपल, काफ़ी आसान क्वेश्चन दिए गए हैं, कहीं टफ नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर चार देखिए। चार कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, ये दिया गया है आपको, साइन क्यू थीटा कॉस क्यू थीटा मांगना है, ठीक। तो इसको लेफ्ट साइड को लिखिए, लेफ्ट साइड को हम लिखते हैं, काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन दिया है। लेफ्ट साइड दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपने स्थान पर रहेगा, और वन के स्थान पर हम लिख सकते हैं, वन के स्थान पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा गुना कॉस थीटा, बाकी सब कुछ आप दीजिए, साइन थीटा गुना क्या हो गया कॉस थीटा, मैंने बाकी को लिख दिया। अब आप फॉर्मूला याद कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू होता है, ठीक है। तो देखिए ए के आसन में साइन है, बी के आसन में कॉस है, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। तो ए के आसन पर साइन है, बी के आसन पर क्या है कॉस है, तो साइन क्यू प्लस कॉस क्यू थीटा आ जाएगा। तो आपका सिद्ध हो गया है, आ गया साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा, सिद्ध हो गया, सिंपल है, कहीं गड़बड़ नहीं है, काफ़ी आसान है क्वेश्चंस। इसलिए क्वेश्चन नंबर पाँच देखिए, दो का पाँच क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाँच दिए गए हैं साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा इक्वल टू आपको इतना मांगना है, तो साइन फोर प्लस कॉस फोर को सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। देखिए एलएचएस दिया गया है साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, ठीक है। तो साइन फोर को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कॉस फोर को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब याद कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है फॉर्मूला। सेम इसी बैठाएंगे इसको भी, तो क्या होगा, ए के स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा है, और बी के स्थान पर क्या है कॉस थीटा, तो ए प्लस बी का क्या होगा होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका मान क्या रखिएगा, वन रखिएगा, तो वन के स्क्वायर माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो वन के स्क्वायर वन होगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर छः देखिए, दो का छः नंबर देखते हैं, दिया कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉस थीटा वन मंगाना है आपको, इसको सिद्ध करके वन मंगाना है। तो चलिए हम लोग एलएचएस को हल करते हैं, एलएचएस दिया गया छः में कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस कॉट थीटा नहीं कॉस थीटा है सी एस थीटा, और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोसेक को लिख सकते हैं वन बटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और सेक को लिख सकते हैं वन बटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और टेन को साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा बटा क्या हो गया साइन थीटा, ठीक है। यह लघुतम होगा साइन थीटा, यहाँ एलसीएम ले लीजिए साइन थीटा, इसमें साइन जब लघुतम हो जाएगा तो क्या आ गया वन माइनस हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, आ गया इतना। वैसे ही यहाँ कॉस लघुतम ले लीजिए कॉस थीटा, तो क्या आएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वैसे ही यहाँ कॉस थीटा गुना साइन थीटा लघुतम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या बचा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बचा, तो देखिए जो जो बचा उसको लिखेंगे। अब याद कीजिए वन माइनस साइन थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस थीटा बटा हो गया साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा वन बटा कॉस थीटा गुना हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए
यहाँ एक कॉस से वो काट दीजिए, एक साइन से वो काट दीजिए, एक लाइन और लिखिए कॉस थीटा गुना साइन थीटा बटा क्या बचा, कॉस थीटा गुना है सर, ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा वन शुद्ध हो गया ना, काफ़ी सिंपल है। सिक्स के बाद सेवन नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन, दो का सेवन है, एलएचएस बराबर सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन और सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू टू टेन थीटा मांगना है, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको, तो दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन, ठीक है, इनटू दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस वन, ठीक है, इसी को आपको हल करना है और टू टेन थीटा मंगाना है। तो देखिए सेक को लिखिए वन बटा कॉस थीटा, टेन को लिखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, माइनस वन छोड़ दीजिए, ठीक है, ठीक वैसे ही वन बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस वन, ठीक है। तो देखिए इसमें कॉस लघुत्तम हो जाएगा, कॉस थीटा तो क्या बचा वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है, गुना यहाँ पर भी कॉस लघुत्तम हो गया तो वन माइनस साइन थीटा प्लस क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ वन प्लस साइन है ना, आप क्या करते हैं यहाँ से वन प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसको एक साथ घेर देते हैं, ठीक है, बटा कॉस थीटा हो गया गुना वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिए, माइनस कॉमन निकालते हैं यहाँ से, माइनस कॉमन निकालिए बटा कॉस थीटा, कुछ भी नहीं किया गया, सेम इसको हमने यहाँ छापा है, इसको घेर दिया है और इसको यहाँ छापा है, इसको कोष्ठक में। अब देखिए इस सबको ए मानिए, इसको भी मानते, ए प्लस बी आ गया, ए माइनस बी आ गया, ठीक है, ये और ये सेम है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर माइनस क्या हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का हो गया होल स्क्वायर बटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ठीक है, बटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस, इसका मान क्या होगा वन होगा माइनस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, वन से वन कटेगा तो क्या बचा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से कॉस खत्म हो जाएगा तो क्या बचा आपका, देखिए बचा टू साइन थीटा बटा कॉस थीटा बचा, साइन बटा कॉस क्या होता है टेन होता है, तो टू टेन थीटा सिद्ध हो गया ना, प्रूव्ड हो गया, काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से देखते जाइए आप आसानी से सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। सेवन था, एट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दो का आठ नंबर, देखिए दो का आठ दिया गया है वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा आपको सिद्ध करना है, तो एलएचएस को हल करेंगे। सेम यही क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, एक बात मैं बता दूँ यहाँ टू होगा, ठीक है, ये टू छोड़ दीजिए, देखिए सेकंड क्वेश्चन और इसको इसको दोनों को ध्यान देखिए, आठ और नौ को देखिए सेम क्वेश्चन है, यहाँ दो दिया है यहाँ दो नहीं दिया है, मतलब यहाँ दो होगा, चलिए बनाइएगा तो खुद आ जाएगा, यहाँ दो मिसप्रिंटिंग है, यहाँ दो होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग बनाते हैं, एलएचएस दिया गया है आठ नंबर में वन माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर, यही दिया गया। अब आप याद कीजिए फॉर्मूला ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, आपको याद भी होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू ए बी प्लस टू बी सी माइनस टू सी है, इतना होता है, इसमें इसको बैठाना है, इसको बैठाना तो क्या हो गया वन का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए इंटू बी साइन थीटा हो गया टू ए बी प्लस टू बी सी, बी के आसन पर साइन थीटा है, सी के आसन पर कॉस थीटा है, और माइनस टू सी है, सी के आसन पर कॉस है
और एक एसन पर वन है, ठीक है। अब देखिए वन प्लस इसका मान क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका भी मान वन हो जाएगा। साइंस थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, वन होता है। माइनस बचा टू साइन थीटा बचा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ एक और एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो देखिए यह कर देंगे टू माइनस टू साइन थीटा हो गया, इसको कोस्ट में घेर दीजिए, ठीक है। और यह कर दीजिए यहाँ पे, यह माइनस टू कॉस थीटा पहले लेके चलाइए, टू कॉस थीटा पहले लेके चला, इसको बाद में कर दीजिए, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को बाद में कर देते हैं। इससे फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा देख लीजिए, यह टू कॉमन होगा तो क्या बचा है, वन माइनस साइन थीटा बचा बचा, यहाँ कॉमन निकालिए टू कॉस थीटा, टू कॉस थीटा कॉमन निकालिए तो टू कॉस थीटा पूरा निकल गया तो वन बचा, यहाँ टू कॉस थीटा निकल गया तो क्या बचा है, सिर्फ साइन थीटा बचा, ठीक है। अब यह दोनों साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, वन में साइन थीटा तो वन में साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टू माइनस टू कॉस थीटा बचेगा। और यहाँ से टू कॉमन निकाल लीजिए, टू कॉमन निकाल बाहर कर देंगे टू, तो वन माइनस साइन थीटा हो गया इंटू आ गया वन माइनस कॉस थीटा, प्रूव हो गया, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, नौ, जो आठ है वही नौ है, तो आठ जैसे आप नौ बना लेंगे सेम इसी को छाप लीजिए, यही क्वेश्चन नौ दिया है। दस में देखिए, दस में बनाते हैं, दस दिया है, यहाँ दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइंस स्क्वायर थीटा इंटू साइंस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइंस स्क्वायर बीटा मंगाना है, तो चलिए लेफ्ट साइड को हल करते हैं, दस नंबर हम बनाएंगे, ठीक है। नौ आपके लिए है, दस हम बनाते हैं, दस दिया है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइंस थीटा इंटू साइंस स्क्वायर बीटा। अब देखिए, अब यहाँ हम क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा मंगाना है और साइन स्क्वायर बीटा मंगाना है, कॉस और बीटा को हटा देना है, तो इसको क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा को रखिए, इसको बदल दीजिए, वन में से क्या होगा, साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। अब इसको बदल दीजिए, वन में से क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। इसमें साइन को बदल दिए, इसमें कॉस को बदल दिए, अब इसको गुणा कर लीजिए, वन में कॉस से गुणा करेंगे तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब इससे इसमें गुणा कीजिए तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा, इससे कट जाएगा तो क्या बचा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, प्रूव हो गया, यही मंगाना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन तीन का एक देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीन का एक है, तीन का एक दिया है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा मंगाना है। देखिए टेन प्लस कॉट इक्वल टू सेक इंटू कोसेक, तो एलएचएस को हल कीजिए, एडजस्ट आ जाएगा, एलएचएस दिया है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटा क्या हो गया, कॉस थीटा, कॉट इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, एलसीएम लीजिए, लघुतम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस थीटा गुना साइन थीटा लघुतम हो जाएगा, सिंपल है, साइन से कॉस साइन में गुना हो जाएगा ना, तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस में गुना करेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, वन होता है, इसका वन होता है, तो वन बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इसको दो जगह लिखे चाहे वन वही हो जाएगा, वन बटा कॉस थीटा गुना क्या होगा, वन बटा साइन, तो वन बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होगा, या क्या होगा, वन बटा साइन कोसेक थीटा, प्रूव हो गया, काफ़ी सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं। दो नंबर क्वेश्चन तीन का दो दिया है, तीन का दो देखिए, तीन का दो दिया है, यहाँ देख सकते हैं, कॉस ए बटा वन में साइन ए प्लस कॉस ए बटा वन प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए मंगाना है। चलिए एलएचएस को हल करते हैं, कॉस ए बटा वन माइनस साइन ए प्लस कॉस ए बटा वन प्लस साइन ए, लघुतम लीजिए तो क्या होगा, वन माइनस साइन ए हो गया इंटू वन प्लस साइन ए लघुतम हो गया, ठीक है। अब इससे इसमें गुना होगा, इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो कॉस ए से वन में गुना करेंगे तो क्या होगा, कॉस ए प्लस कॉस ए गुना साइन ए हो गया, ठीक है।
प्लस इससे इसमें गुना हो जाएगा ना, लघुतम लिए तो इससे भागने नहीं कट जाएगा बचेगा ही नहीं, तो इससे इसमें गुना हो जाएगा, तो वन से कॉस में तो क्या हो, कॉस ए हो गया माइनस, माइनस हो गया कॉस ए गुना साइन ए, कॉस ए गुना क्या हो गया साइन ए लिख देंगे, साइन ए हो गया। अब देखिए यह इससे क्या होगा, कट जाएगा कॉस ए गुना साइन ए कट जाएगा, तो कॉस कॉस मिल क्या होगा टू कॉस हो गया, टू कॉस ए हो गया बटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर में माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए टू कॉस ए बटा, और वन का स्क्वायर वन होगा तो वन में साइन स्क्वायर ए क्या होगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ए को से वो कट जाएगा, तो क्या बचा टू बटा बचा कॉस ए, टू बटा कॉस क्या होता है सेक ए हो गया, प्रूट हो गया सिद्ध हो गया। काफ़ी सिंपल है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीन नंबर दिया है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस बीटा बटा कॉस अल्फा गुना कॉस बीटा इक्वल टू इतना मंगाना है, इतना से दोनों में अलग अलग भाग दीजिए सिद्ध हो जाएगा, दोनों में अलग अलग भाग देंगे, लेफ्ट साइड लिखिए और भाग दीजिए, लेफ्ट साइड दिया गया है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस अल्फा गुना कॉस स्क्वायर बीटा, इससे दोनों में आपको भाग देना है, तो हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा बटा हो गया कॉस अल्फा गुना कॉस स्क्वायर बीटा माइनस, इससे हम इसे भाग दे दिए कॉस स्क्वायर बीटा बटा कॉस अल्फा गुना कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखिए इससे कटेगा अल्फा से अल्फा कटेगा, तो वन बटा कॉस बीटा या बचा वन बटा कॉस स्क्वायर अल्फा, तो लिखिए यहीं जो बचा उसको लिखिए, वन बटा बचा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन बटा कॉस स्क्वायर अल्फा बचा, तो वन बटा कॉस इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर बीटा हो गया माइनस सेक स्क्वायर अल्फा हो गया, सेक स्क्वायर बीटा क्या होगा वन प्लस टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस वन प्लस टेन स्क्वायर क्या हो गया अल्फा हो जाएगा, वन से वन कट जाएगा तो वन से वन कटा तो क्या बचा टेन स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा, प्रूफ हो गया ना। चलिए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीन का चार नंबर देखिए, तीन का चार दिया है देखिए वन बटा वन माइनस साइन थीटा माइनस वन बटा वन प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा गुना टेन थीटा, इसको हल करना है तो एलएचएस को हल करेंगे, एलएचएस बराबर एलएचएस दिया है वन बटा वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस साइन थीटा, ठीक है लघुतम लेंगे वन माइनस साइन थीटा इंटू क्या हो गया वन प्लस साइन, लघुतम हो गया इससे वन में गुना होगा तो क्या होगा वन प्लस साइन थीटा माइनस हो गया वन माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब देखिए वन से वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा साइन थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, और साइन साइन मिलकर क्या होगा टू साइन थीटा बटा वन में साइन थीटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब क्या कीजिए इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पाना थोड़ा सा बचा लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं कॉस है तो क्या होगा वन बटा कॉस स्क्वायर कर दीजिए चाहे टू बटा कॉस थीटा कर दीजिए इंटू वन बट साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा, फिर से देखिए टू बटा कॉस थीटा को कर दिए और साइन बटा को कॉस कर दिए, टू बटा कॉस क्या होगा टू सेक हो जाएगा और साइन बटा कॉस क्या होगा टेन थीटा, सिद्ध हो गया, ठीक है। सही पांचवा क्वेश्चन है, पांच नंबर दिया है देखिए सेक थीटा बटा वन माइनस कोसेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आपको सिद्ध करना, तो यहाँ क्या देखिए वन माइनस कोसेक दे दिए ना तो ये गलत दे दिए, वन माइनस कोसेक नहीं होगा, ये वन होगा ही नहीं, क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है, केवल होगा सेक थीटा बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बटा सेक थीटा होगा, ठीक है तो इसको हल करना है आपको, ठीक। देखिए एलएचएस को हल करते हैं तो सेक थीटा बटा क्या हो गया कोसेक थीटा
प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा ये दिया गया। तो सेक को हम क्या कर देंगे, वन बटा कॉस कर देते हैं, वन बटा कॉस थीटा कर देंगे वन बटा साइन थीटा, ठीक है। प्लस ये वन बटा कोसेक को कर देंगे साइन थीटा, ये वन बटा क्या हो गया कॉस थीटा, ठीक है। और चार टर्म में उलट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा कॉस नीचे आ जाएगा, क्या आ गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। यही बना देते हैं, यही चलिए बनाते हैं, यही बना देंगे। लघुतम क्या कॉस थीटा गुना साइन थीटा, लघुतम कॉस थीटा गुना क्या हो गया साइन थीटा एलसीएम हो गया, ठीक है लघुतम हो गया। तो साइन से देखिए साइन में गुना हो जाएगा तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, आप प्लस कॉस से कॉस में गुना होता क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है वन होता है, वन बटा कॉस थीटा गुना हो गया आपका साइन थीटा। तो वन बटा कॉस क्या होता है सेक थीटा होता है, और वन बटा साइन क्या होता है कोसेक थीटा, प्रूव हो गया। यही आपको सिद्ध करना था, तो क्वेश्चन यहाँ मिसप्रिंटिंग था, आप उसको सुधार कर लेंगे, यहाँ वन नहीं होगा, इतना ही क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर छः देखिए, छः नंबर दिया है, यहाँ देखेंगे छः कहता है कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए इक्वल टू वन माइनस टेन ए बटा वन प्लस टेन ए मंगाना है, सिंपल है। लेफ्ट साइड लिखते हैं और राइट साइड मंगाएंगे। लेफ्ट साइड दिया गया है कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है। तो देखिए कॉस ए यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से कॉस तो यहाँ निकल जाएगा तो वन बचेगा, लेकिन इसमें कॉस नहीं है, जिसमें नहीं होता है उसे भाग दे दिया जाता है। कॉस कॉमन निकालने का मतलब ही हुआ कि कॉस से भाग देना, तो यहाँ से कॉस कॉमन निकल गया तो यहाँ वन बचा, यहाँ कॉस कॉमन निकलेगा तो कॉस से भाग लगेगा तो क्या होगा साइन ए बटा क्या हो गया कॉस ए हो गया। फिर देखिए गुना करेंगे वन से कॉस में तो वन हो जाएगा, यहाँ गुना करेंगे कॉस से कॉस खत्म हो गया, बटा नीचे भी कॉस ए से हम क्या करते हैं कॉमन ले लिए कॉस ए, तो वन प्लस क्या हो गया साइन ए बटा कॉस ए हो गया, ठीक है। कॉस से कॉस कटेगा, कटेगा तो क्या बचा है वन में साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन होता है, टेन ए बटा वन प्लस हो गया टेन ए, सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर सात देखिए, सात कहता है यहाँ कहता है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बनाते हैं इसको। चलिए दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस वन, इसको परमीकरण करेंगे, इसको हम क्या करेंगे परमीकरण करेंगे। तो परमीकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन थीटा प्लस कॉस का माइनस वन है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है। ऊपर नीचे गुना करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस वन, इतना से ऊपर नीचे गुना कर दिए। गुना करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यह साइन थीटा अपने स्थान पे है, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अगर माइनस कॉमन निकालते हैं तो प्लस इस कॉस को बराबर के उधर कॉस को उधर ले जाइए, तो वन प्लस यहाँ साइन थीटा प्लस वन और माइनस कर दीजिए कॉस थीटा। एक मिनट इसको हम फिर से लिख देता हूँ, देखिए साइन थीटा वन को पहले प्लस वन कर लेंगे और माइनस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब बटा है आपका यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा घेर देते हैं माइनस वन, गुना करते हैं, देखिए साइन थीटा प्लस वन अब प्लस क्या हो गया कॉस थीटा बटा, देखिए यहाँ क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अब प्लस वन है, सिंपल है। अब देखिए इसको ए माने तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में आ गया, इसको ए माइनस बी इंटू क्या हो ए प्लस बी के रूप में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो होगा साइन थीटा प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए, नीचे भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया बटा ये हो गया ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा सिद्ध करने वाले को भी आप ध्यान में रखते हुए आगे बनाते जाएंगे, इसका मान क्या होगा, वन होगा, इसका मान वन होगा, ठीक है। और इसको इसको एक साथ ले जाएंगे, इसको एक साथ ले जाएंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा ले जाएंगे तो क्या होगा, साइन में बदल जाएगा, इसका मान वन रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि साइन स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर रहा और प्लस टू साइन थीटा भी अपने स्थान पर है, ये हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने कहा यहाँ लेके चलाना है, बटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा वन हो गया, प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस वन, वन से वन को काट दीजिए, तो देखिए यहाँ क्या बचा, इसका ये अपने स्थान पर रह गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टू साइन थीटा भी अपने स्थान पर रहा, और वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटा टू साइन थीटा इंटू क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया, इक्वल टू साइन साइन जोड़ देंगे तो क्या हो गया, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा हो गया, बटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऊपर से देखिए टू साइन थीटा कॉमन निकल रहा है तो निकाल लीजिए, टू साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, साइन थीटा प्लस वन बचेगा, बटा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा कट जाएगा तो क्या आपका आ गया, वन प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा आ गया, इक्वल टू आ गया आपका वन प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, प्रूफ हो गया, यही आपका सिद्ध करना था, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, अगर फार्मूला आपको याद है तब तो कहीं परेशानी नहीं है, फार्मूला नहीं याद है तो परेशानी हज़ारों परेशानी आएगी और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, इसलिए फार्मूला सबसे पहले कमांड करना है आपको फार्मूला पर, ठीक है। और जो भी कोचिंग में आपको किताब दिए गए हैं उसको रट जाइए, ठीक है। देखिए चार का एक नंबर, रूट ओवर वन प्लस साइन थीटा बटा वन में साइन थीटा दिया है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा सिद्ध करना है तो एलएचएस से लिखेंगे और सारे क्वेश्चन एक जैसे है, देख लीजिए सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, अगर एक बढ़िया से बना लीजिए तो और से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एक को अच्छा समझ लीजिए। तो चार के एक दिए गए हैं, रूट ओवर वन प्लस साइन थीटा बटा वन में इसका दिया है साइन थीटा, तो ऐसे क्वेश्चन को अक्सर क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, जैसे वन प्लस साइन थीटा है ना बटा क्या वन माइनस साइन थीटा है, तो नीचे वाला देखिए माइनस है तो प्लस से गुना कर दीजिए, वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, वन प्लस साइन थीटा, ठीक है। जब गुना कीजिएगा तो वन प्लस साइन मिलकर क्या हो गया, वन प्लस साइन थीटा का हो जाएगा होल स्क्वायर, और नीचे देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, चार के सभी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, इसलिए इसको अच्छा देखिए, तो वन माइनस साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा ना, तो हो गया वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो वन प्लस साइन थीटा बटा क्या बचा, कॉस थीटा बचा, अब इससे दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे, अलग अलग भाग देंगे तो क्या आ गया, देखिए वन बटा कॉस थीटा आया जो साइन थीटा बटा क्या आ गया, कॉस थीटा, तो वन बटा कॉस क्या होता है, सेक थीटा हो गया, और साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, प्रूट हो गया। सिंपल क्या करना है आप फिर से देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, हम यहाँ माइनस था तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करके परिमेयकरण कर दिए, वन माइनस साइन थीटा था तो वन प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो वन माइनस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक है, यहाँ कॉस हो गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, हट गया, अब कॉस से दोनों में भाग दे दिया, आपका सिद्ध हो गया। ऐसे ही चार के टोटल क्वेश्चन बनाए जाएंगे, ठीक है, आप सारे क्वेश्चन बनाएंगे, नहीं आएगा तो हमको कमेंट करेंगे फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए पाँच का एक नंबर हम लोग देखते हैं, पाँच एक अलग है इसलिए मैं पाँच का एक बनाता हूँ, जो थोड़ा सा भी सूत्र याद करता है, ये सब तो कुछ भी नहीं, चार का एक देखिए सेम एक ही क्वेश्चन दिया है, एक ही क्वेश्चन दिया, पाँच का एक देखिए, पाँच का एक देखिए कॉस का बटा वन माइनस टेन थीटा और साइन का बटा वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन प्लस कॉस, आपको सिद्ध करना है तो लेफ्ट साइड को हल करना होगा और आर एच एस आपको मंगाना होता है। चलिए एल एच एस हम लोग हल करते हैं, एल एच एस दिया गया आपका कॉस थीटा बटा वन माइनस टेन थीटा जोड़ साइन थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, देखिए कॉस थीटा और यह जो टेन है वन में टेन को क्या करेंगे साइन बटा कॉस कर देंगे, ठीक है, यह साइन थीटा हो गया बटा वन माइनस कॉस थीटा बटा क्या हो गया साइन थीटा हो गया, ठीक है। अब यहाँ क्या कीजिए,
या कॉस अपने स्थान पर है, नीचे देखिए कॉस लघुतम हो जाएगा, नीचे कॉस, तो कॉस यहाँ आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस का हो जाएगा साइन थीटा। ठीक ऐसे ही यह साइन अपने स्थान पर रहा और नीचे यहाँ क्या होगा, साइन लघुतम हो जाएगा, साइन लघुतम हो गया तो क्या बचा, साइन थीटा माइनस कॉस का साइन ऊपर चला जाएगा। अब ये साइन ऊपर गया तो ये कॉस में कॉस से गुना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन में साइन में गुना होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तीसरे टर्म एक दो तीन टर्म, तीन टर्म में होता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो कॉस यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा माइनस हो गया साइन थीटा, ठीक है, और यह चला गया साइन स्क्वायर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ से माइनस हम क्या करते हैं, इस साइन तो भेज दिए, इससे माइनस कॉमन निकाले तो कॉस का माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। इस साइन को ऊपर भेज दिया, माइनस कॉमन निकालिए, और माइनस इसलिए कॉमन निकाले कि ये माइनस यहाँ आ जाएगा और नीचे दोनों बराबर हो जाएगा। देखिए कॉस माइनस साइन आ गया है नीचे, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा नीचे एलसीएम हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस क्या हो गया साइन थीटा, दोनों सेम है तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बच गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस क्या हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इससे कट जाएगा तो क्या बचा कॉस थीटा प्लस बच गया साइन थीटा, प्रूव हो गया 5 का 1 बन गया। अगला क्वेश्चन है 5 का 2, ठीक है, तो 5 का 2 जो क्वेश्चन है आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 10 4 थीटा + sec 4 थीटा आपको मंगाना है, यानी एलएचएस को हल करना है, आरएचएस आपको मंगाना है। 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा है, चलिए हल करते हैं, लिखेंगे एलएचएस बराबर 1 + 2 टेन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो 1 + 2 टेन है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए सबसे अच्छा रहे, 10 को कॉस, इसको हम क्या करते हैं कॉस के ऊपर भेज देते हैं, देखिए 2 tan² थीटा अपने स्थान पर रखिए, ठीक है, और 1 / cos² कर सकते हैं, ठीक है, और क्योंकि 1 / cos² क्या हो जाएगा sec² हो जाएगा, 2 tan² थीटा इंटू क्या हो जाएगा sec² थीटा हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या कीजिए, एगो 10 को बदल दीजिए तो sec 4 हो जाएगा, ठीक है, या यहाँ 2 है ना, तो आप 2 जगह कर सकते हैं, इसको 2 जगह कर सकते हैं, जैसे 1 + 10² थीटा इंटू sec² थीटा फिर हो जाएगा 10² थीटा इंटू sec² थीटा, 2 जगह लिख दिए, एक में 10 को बदल लीजिए, एक में sec को बदल लीजिए, ठीक है, 1 + 10 को बदलेंगे तो क्या होगा sec² थीटा - 1 हो जाएगा इंटू sec² थीटा, आई 10² छोड़ दीजिए, ठीक है, आ इसमें sec² बदलिए 1 + क्या होगा 10² थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 + अपने स्थान पर sec² से गुना कीजिए तो क्या हो गया sec 4 थीटा - sec² थीटा हो गया, प्लस 10² गुना करेंगे 10 से 1 में तो क्या होगा 10² थीटा हो जाएगा, आप प्लस 10 4 थीटा हो जाएगा, 10² से 1 में गुना करेंगे 10² थीटा, 10² से 10² में तो 10 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ sec² थीटा और इसको एक साथ रखते हैं, 1 + sec 4 थीटा है आपका, माइनस कॉमन निकाल लेंगे अगर इस दोनों में से तो क्या होगा sec² थीटा - 10² थीटा। देखिए यहाँ से हमने क्या किया, इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो sec² थीटा बचा, यहाँ क्या माइनस 10² थीटा होगा, अब प्लस 10 4 थीटा आपका है, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 + sec 4 थीटा - 1 + 10 4 थीटा, 1 से 1 क्या होगा कैंसिल होगा तो क्या बचा sec 4 थीटा + 10 4 थीटा, प्रूव हो गया। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू 10 के रूप में लाना है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर काफ़ी सिंपल है, लेफ्ट साइड को हल कीजिए, दिए गए एलएचएस बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, हम लिख सकते हैं इसके बटा में 1 दे सकते हैं, तो 1 देने से फायदा ये हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपने स्थान पर है, और 1 के स्थान पर रख दीजिए कॉस स्क्वायर ए, आप प्लस रख देंगे साइन स्क्वायर ए रखा जाएगा। अब देखते हैं इसमें से कॉस कॉमन निकाल लीजिए, कॉस स्क्वायर ए मैंने कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालने का मतलब मैंने बताया था, ये कॉमन निकल गया तो क्या बचा 1 बचा, यहाँ तो साइन नहीं है कॉस नहीं है, लेकिन कॉस कॉमन निकाल रहे हैं इसमें से, तो निकाल रहे हैं तो बटा कर दे रहे हैं, भाग लग जाएगा,
कॉमन निकालने का मतलब भाग देना, बटा क्या कोशिश करिए हो गया, बटा कोशिश करिए नीचे भी कॉमन निकालिए, तो यहाँ वन बचेगा और यहाँ वन बच गया यहाँ, और यहाँ साइन में कॉस नहीं है तो बटा हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो आपका क्या बचा देखिए, वन में साइन बटा कॉस क्या हो गया टेन हो गया, टेन स्क्वायर ए बटा वन प्लस टेन स्क्वायर ए प्रूव हो गया, काफ़ी सिंपल है। पाँच का चार देखते हैं, देखिए पाँच का चार है, वन माइनस कॉस फोर बीटा बटा साइन फोर बीटा इक्वल टू टू कोस स्क्वायर बीटा माइनस वन, तो इसको चेंज करेंगे, इसको भी कॉस में बदल दीजिए, अब बदल के इसको बनाते हैं, देखिए दिया गया है वन एल एच एस वन माइनस कॉस फोर बीटा बटा हो गया साइन फोर बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर में एस बी स्क्वायर करते हैं, ए प्लस बी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, तो वन का स्क्वायर कर दे, अच्छा एक लाइन के बाद वन का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ कॉस स्क्वायर बीटा का फोर स्क्वायर कर सकते हैं, फोर है तो बटा साइन फोर अपने स्थान पर छोड़ दीजिए, अभी इसको कुछ नहीं छूना है, तो वन का स्क्वायर कर देंगे कॉस फोर को, कॉस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी माइनस बी वन प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इंटू क्या हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा आ गया, बटा साइन फोर है इसको फिर छोड़ दिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो वन प्लस कॉस इसको छोड़ दिए, कॉस स्क्वायर बीटा को अपने स्थान पर छोड़िए, और वन माइनस कॉस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर बीटा बटा साइन फोर को साइन स्क्वायर बीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, अब एक कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, इस कॉस को चेंज कर देते हैं, इस कॉस को हम बदल देंगे, तो कॉस को बदलेंगे तो देखिए यहाँ वन प्लस कॉस को बदलेंगे तो वन में साइन स्क्वायर बीटा कर दीजिए, साइन स्क्वायर में बदल दीजिए, बटा साइन स्क्वायर क्या हो गया बीटा आ गया, अब एक और एक मिलकर दो हो गया, दो माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा बटा हो गया साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर बीटा दोनों में अलग अलग भाग दीजिए, टू बटा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटा हो गया साइन स्क्वायर बीटा, ये कट जाएगा, टू बटा साइन क्या होगा टू कोसेक हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा हो गया माइनस साइन स्क्वायर वन बचा, यही आपका सिद्ध करना था, टू कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस वन प्रूव हो गया। पाँच का पाँच देखिए, पाँच का पाँच, तो पाँच का होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, तो टेन को साइन बटा कॉस कर दिया सिंपल सिद्ध हो जाएगा। देखिए एल एच एस दिया गया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा, तो टेन को क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा बटा कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटा क्या हो गया कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा लगता हो गया ना, इस कॉस इसमें गुना हो गया तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस बीटा लगता हो गया माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन स्क्वायर बीटा हो गया, नीचे वाला इतना ही सिद्ध करना है, नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर केवल मंगाना है साइन, तो कॉस को चेंज कर दीजिए, कॉस को हटा देंगे तो साइन में बदल जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा अपने स्थान पे है, कॉस को बदलेंगे तो वन माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया बीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा हो गया, ठीक है। और इसको गुना कर दीजिए, अंदर गुना करेंगे तो वन से साइन से वन में गुना करेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर क्या हो गया बीटा, ये माइनस है यहाँ माइनस है सॉरी यहाँ माइनस है, फिर साइन से गुना करेंगे तो क्या हो गया साइन स्क्वायर बीटा प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर बीटा बटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा, ई वाला सी वाला कट जाएगा तो क्या बचा बच गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर बीटा प्रूव हो गया। छः नंबर देखिए,
छः कहते हैं, यहाँ क्वेश्चन छः नंबर दिया गया है, वन प्लस टेन थीटा बटा वन प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन माइनस टेन थीटा बटा वन प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर मंगाना है। ठीक है, तो देखिए इसको टेन स्क्वायर है, इसको साइन बटा कॉस कर दीजिए, सिंपल है। एल एच एस लिखते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया है। देखिए अब वन प्लस टेन थीटा सबसे बढ़िया है, इसको हम क्या लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबको होल स्क्वायर कर सकते हैं, सेक थीटा बटा कोसेक थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। सेक थीटा मतलब क्या, वन बटा कॉस थीटा हो गया, वन बटा कॉस थीटा, कोसेक इक्वल टू वन बटा साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए उतना कर देते हैं, पाना पलट देते हैं, तो आपका आ गया वन बटा कॉस थीटा और वन बटा हो गया आपका साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ क्या करते हैं, यहाँ सिंपल सा एक फंडा है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आप सिद्ध कर लेंगे। इस वन के स्थान पर आप थोड़ा सा परमीकरण करते हैं ना, इसे कॉस थीटा माइनस रख देते हैं साइन थीटा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, बटा कॉस थीटा हो गया, अब बटा यहाँ पर भी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रख देते हैं। अब आप सोचिएगा कि कहाँ से आ गया। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ क्यों ऐसा लिया, जैसे कॉस माइनस साइन ऊपर भी रखें, कॉस माइनस साइन यहाँ पर, दोनों कटेगा तो सेम हो जाएगा ना, मैंने समान राशि से गुना भी कर सकते हैं, समान राशि से भाग भी दे सकते हैं, तो कॉस माइनस साइन ऊपर भी रखें, कॉस माइनस साइन यहाँ पर रखें, फिर कटेगा वही हो जाएगा। अब कॉस से दोनों में भाग दीजिए, अब कॉस से इसमें भाग देंगे, कॉस से कॉस में भाग देंगे, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो वन में से क्या बचेगा, यहाँ कॉस बटा कॉस, कॉस थीटा बटा क्या हो गया, कॉस थीटा है ना, माइनस साइन थीटा बटा क्या हो गया, कॉस थीटा बटा, ये कटेगा तो कॉस थीटा बटा क्या हो गया, साइन थीटा, नीचे भी भाग दिए, कॉस से कॉस में साइन से, और साइन थीटा बटा क्या हो गया, साइन थीटा, इसका हो गया होल स्क्वायर, तो कॉस से कॉस कटेगा, साइन साइन कट जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ देखिए वन बचेगा, वन माइनस टेन थीटा हो गया बटा कॉट थीटा माइनस वन हो गया, स्क्वायर है तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो क्या आ गया, वन माइनस टेन थीटा बटा आ गया वन माइनस कॉट थीटा आ गया। यही सिद्ध करना था, यही प्रूव हो गया आपका, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है, सात नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एलएचएस को देखिए, सात दिया है, देख कॉस ए प्लस कॉस बी बटा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन ए माइनस साइन बी बटा कॉस ए माइनस कॉस बी, तो एलएचएस को हल करते हैं। मैं साइन बी बटा हो गया कॉस ए माइनस कॉस बी। ठीक है, और सिंपल सा आप क्या कीजिए, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेंगे, आसानी से आ जाएगा, खाली आप लघुत्तम लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, साइन ए प्लस क्या है साइन बी इंटू कॉस ए माइनस क्या हो गया कॉस बी। अब इसे इसमें गुना कर दीजिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो क्या हो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी हो गया, प्लस इसे इसमें गुना होगा तो ए प्लस बी माइनस बी है, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, ए वाले को एक संत रखते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया ए हो गया, माइनस को मैं निकाल दी, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर क्या हो गया बी हो गया, बटा नीचे जिन तो रखे साइन ए प्लस साइन बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी हो गया, इसका मान वन हो जाएगा, तो वन माइनस वन आएगा बटा कॉस ए प्लस क्या हो गया कॉस बी हो गया, तो वन माइनस वन घटे जीरो होगा, तो जीरो ना आ जाएगा, प्रूव हो गया। ठीक है, इसके बाद आठ नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आठ दिया है, टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू टू का थीटा, तो एल एच एस को हल कीजिए, दिया टेन थीटा बटा सेक थीटा माइनस वन माइनस साइन थीटा बटा
वन प्लस कॉस थीटा। देखिए तो टेन को बदल दीजिए साइन बटा कर दीजिए कॉस थीटा, और वन बटा कॉस थीटा माइनस वन साइन थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ लघुत्तम ले लीजिए, टेन इक्वल टू साइन बटा कॉस लिखना था, साइन बटा कॉस कॉस छूट गया है, चलिए आ जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा बटा क्या हो गया कॉस थीटा आपको लिखना है। ठीक है, नीचे कॉस लघुत्तम लेना है, कॉस लघुत्तम जब लीजिएगा तो क्या होगा वन माइनस कॉस थीटा बचेगा ना ऊपर, यहाँ देखिए वन छिपा है ऊपर, साइन बटा कॉस हो गया, यहाँ कॉस लघुत्तम हो गया और माइनस साइन थीटा बटा हो गया वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये कॉस से कॉस काट दीजिए तो देखिए क्या बचा, साइन थीटा बटा वन माइनस कॉस थीटा ये होगा माइनस साइन थीटा बटा वन प्लस कॉस थीटा, लघुत्तम ले लीजिए वन प्लस कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम लेकर के हल कर लेंगे। चलिए हम एलसीएम लेते हैं, आपका एलसीएम आ गया वन माइनस कॉस थीटा इंटू आ गया वन प्लस कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखिएगा, लघुत्तम लिए तो देखिए साइन थीटा में वन प्लस कॉस थीटा गुना हो जाएगा और माइनस में इससे गुना हो जाएगा, तो हो गया साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा माइनस वन माइनस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा हो गया, गुना करते हैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और माइनस में इसका हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू क्या हो गया साइन थीटा हो गया बटा ए प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसको इस नहीं काटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा साइन साइन कटेगा, यहीं थोड़ा सा घबराई में मत काटिए, ये नहीं कटने वाला है। और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर साइन इंटू कॉस है तो क्या होगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचेगा आपका, और वन माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ए वो इससे कट जाएगा तो क्या बचा टू कॉस थीटा बटा बच गया साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन क्या होता है कॉट थीटा होता है ना, टू कॉट थीटा हो गया, यही सिद्ध करना था। ठीक है, काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है लेकिन आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा अन्यथा नहीं बन पाएगा। ठीक है, जैसे नौ नंबर देखिए, नौ दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया, कोसेक माइनस कॉट का होल स्क्वायर, देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, कोसेक क्या लिखेंगे वन बटा साइन लिखेंगे ना, और कॉट क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है, होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ साइन लघुत्तम हो जाएगा साइन थीटा, तो यहाँ क्या बचा वन माइनस कॉस थीटा बचा, इसका क्या है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, इससे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वन का भी स्क्वायर कर सकते हैं ए प्लस बी माइनस बी होगा, ये स्क्वायर है तो दो जगह लिखिए वन माइनस कॉस थीटा इंटू लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा थीटा हो गया इंटू हो गया वन माइनस कॉस थीटा, इससे कट जाएगा तो क्या बचा आपका बचा यहाँ लिख देते हैं वन माइनस कॉस थीटा बटा बच गया वन प्लस कॉस थीटा, यही सिद्ध करना है। दस नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, दस लेफ्ट साइड को देखिए, इक्कीस को है पाँच में, दस नंबर देखिए टेन थीटा बटा वन में स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा बटा वन में टेन थीटा दिया है, वन प्लस एक इंटू कोसेक मंगाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको, टेन थीटा बटा वन में स्क्वायर थीटा जोड़ कॉट थीटा बटा हो गया वन में टेन थीटा। ठीक है, देखिए टेन को क्या लिखेंगे साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट को लिखेगा वन में कॉस थीटा बटा क्या हो गया साइन थीटा जोड़ या कॉस थीटा बटा क्या हो गया साइन थीटा वन में साइन थीटा बटा हो गया कॉस थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो गया, यहाँ साइन नीचे लघुत्तम हो जाएगा होगा ना, तो साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन लघुत्तम इसके नीचे वन छिपा लेंगे। ठीक, वैसे ही या कॉस बेटा साइन छोड़ दीजिए, नीचे कॉस लघुत्तम होगा कॉस थीटा माइनस क्या हो गया साइन थीटा हो गया बटा कॉस थीटा, ध्यान से देखिए नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और चार टर्म है एक दो तीन चार, तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, तो साइन से साइन में गुणा करेंगे साइन स्क्वायर, कॉस जाएगा कॉस में गुणा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा
कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या हो गया कॉस थीटा प्लस, ये कॉस चला जाएगा तो क्या हो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन, बटा में है साइन थीटा इंटू हो गया साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ठीक है। अब देखिए यहाँ माइनस कॉस माइनस साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो ये माइनस कॉमन निकाल लेता कि ये भी साइन माइनस कॉस हो जाए, क्योंकि यहाँ साइन माइनस कॉस है ना, तो यहाँ पर साइन माइनस कॉस के लिए माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बटा हो गया आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ठीक है, माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा ये बदल जाएगा, साइन पहले आ जाएगा और कॉस बाद में चला जाएगा ठीक है। अब साइन माइनस कॉस दोनों में से कॉमन हो जाएगा, वन बटा साइन का माइनस कॉस का कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बचा बटा बटा वन में बटा कॉस का, यहाँ बचा कॉस स्क्वायर थीटा बटा बच गया साइन थीटा, वन बटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए अपने स्थान पर इसका लघुत्तम लेंगे, कॉस थीटा इंटू क्या होगा साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा ना, और साइन साइन में गुना करेंगे क्या हो गया साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, और ए क्यू माइनस बी क्यू सूत्र याद कीजिए, वन बटा साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा आपका है वन बटा ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी साइन थीटा प्लस क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी, यानी साइन थीटा इंटू क्या हो गया कॉस थीटा ठीक है। अब बटा हो गया कॉस थीटा गुना हो गया साइन थीटा, देखिए ये इससे कट जाएगा, अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा वन हो जाएगा, तो वन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, वन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया, आ गया वन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस इतना से दोनों में अलग भाग दीजिए, तो वन बटा हो गया आपका साइन थीटा, यहाँ प्लस है यहाँ क्या होगा आपका प्लस है ठीक है, प्लस होता है तो इससे दोनों भाग वन बटा साइन थीटा गुना कॉस थीटा हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा हो गया साइन थीटा गुना कॉस थीटा ये कट जाएगा, तो वन बटा साइन क्या होता है कोसेक होता है, कोसेक थीटा इंटू क्या हो जाएगा सेक थीटा आप प्लस वन, यही सिद्ध करना था। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी सवाल अगले वीडियो में देख लेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद जय भारत जय मेरे प्रिय छात्र।